हेलो एवरीवन आज के वीडियो लेक्चर में हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकेआई के बारे में पढ़ेंगे देखिए पीकेआई क्या होता है पीकेआई एक स्टैंडर्ड है फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट तो जब भी हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और वो जो स्टैंडर्ड है उसे हम पी कहते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं पी के आई इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्टैंडर्ड इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट्स तो पीकेवाई पीके आई के बारे में हम जितनी भी बात करेंगे जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वो आपके मोस्टली फोकस होंगे डिजिटल सर्टिफिकेट्स के ऊपर अब अगर हम डिजिटल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ अ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट पी के आई इज़ रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ ए सीमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी अब ए सीमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है हमारे पास दो डिफरेंट कीज होती हैं एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की पी के आई इंक्लूड्स मैसेज डाइजेस्ट डिजिटल सिग्नेचर्स एंड इंक्रिप्शन सर्विसेज तो एक ऑथेंटिकेशन कॉन्फिडेंशियलिटी नॉन रेप्यूडेशन इन सब सिक्योरिटी फ़ीचर्स को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा है पी के आई के अंदर इन सारी फैसिलिटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जैसे मैसेज डाइजेस्ट डिजिटल सिग्नेचर एंड इंक्रिप्शन मैसेज डाइजेस्ट से आपका इंटीग्रिटी वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है डिजिटल सिग्नेचर से आपका नॉन रेपूटेशन और इंक्रिप्शन से आपका कॉन्फिडेंशियलिटी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैसेज डाइजेस्ट से बेसिकली हम इंटीग्रिटी भी सॉल्व करते हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी भी डिजिटल सिग्नेचर आर बेसिकली यूज़ फॉर ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेप्यूटिएशन एंड विथ द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन आप कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव कर सकते हैं एंड टू इनेबल ऑल द सर्विसेज डिजिटल सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड तो इन सब सर्विसेज को इनेबल करने के लिए हमें डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए और डिजिटल सर्टिफिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो पी के आई है सो नाउ वी विल सी इन डिटेल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स सो द डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर स्मॉल फाइल्स ऑन कंप्यूटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक बहुत ही स्मॉल फाइल होती है बेसिकली जस्ट लाइक ए नोट पैड फाइल होती है जो आपके कंप्यूटर ऐसी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर सेव हो सकती है फाइल एक्सटेंशन इज जनरली सी ई आर ये मैंने एक सैम्पल लिया है कॉमन डॉट सी ई आर तो फाइल एक्सटेंशन डिजिटल सर्टिफिकेट का या तो डॉट सी ई आर होगा या फिर कुछ और भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट डेट यू आर यूजिंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स इस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन अ यूज़र एंड द पब्लिक की तो जो मेन काम है डिजिटल सर्टिफिकेट का वो है टू इस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन अ यूज़र एंड द पब्लिक की तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। यहीं पर आप ये बात दोबारा लिख सकते हैं दैट इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर पी दैट इट इज स्टैंडर्डाइज बाय पी के आई तो जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है वो होता है आपका पी के आई देखिए अगर मेरे पास कोई एक यूजर आता है और वो कहता है कि मेरे पास ये डिजिटल सर्टिफिकेट है तो आप मुझे ऑथेंटिकेट कर दीजिए तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि वो डिजिटल सर्टिफिकेट भी एक ऑथेंटिक फाइल uh, है तो उसके लिए कोई भी डिजिटल सर्टिफिकेट को इश्यू नहीं कर सकता डिजिटल सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड बाय सम ट्रस्टेड पार्टी तो जो कोई अगर ट्रस्टेड पार्टी है वो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट इशू कर रही है उसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ मैं एक ऑथेंटिक यूज़र हूँ तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को जरूर लिखिए जाए डिजिटल सर्टिफिकेट्स मस्ट बी इशूड बाय दे मस्ट बी इशूड बाय ट्रस्टेड पार्टी और ट्रस्टेड एंटिटी न डिजिटल सर्टिफिकेट कंटेन्स यूजर नेम एंड यूजर्स पब्लिक की तो एक जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है उसमें आपके पास दो चीज़े जरूर चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए यूज़र का नेम, यूज़र का नेम एंड यूज़र की पब्लिक की अगर उस डिजिटल सर्टिफिकेट में नेम और पब्लिक की है तब आप उनके पीछे रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं अब देखते हैं सैंपल डिजिटल सर्टिफिकेट का कैसे डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं कैसे सैम्पल एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिखता है हमें तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपका यूज़र नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई जेड दिस इज़ द नेम ऑफ द यूज़र जिसका डिजिटल सर्टिफिकेट है सॉरी <coughs> उसकी पब्लिक की होगी सपोज दिस इज द पब्लिक की ऑफ दिस यूजर एक्स वाई जी देन देर इज अ सीरियल नंबर एक तरह से यूनिक आइडेंटिफायर है हर डिजिटल सर्टिफिकेट का उसके बाद आपका अदर इंफॉर्मेशन हो सकती है अदर इंफॉर्मेशन में जैसे ई मेल आई डी यूज़र का ई मेल आई डी क्या है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एक डिजिटल सर्टिफिकेट में होती है और होनी चाहिए वो है उसका वैलिडिटी पीरियड एंड द इशर नेम तो जो दो फील्ड्स हैं दैट इज़ वैलिड फ्रॉम एंड वैलिड टू जैसे आपने क्रेडिट कार्ड्स के अंदर देखा होगा उसमें दो फील्ड्स होती हैं कब से कब तक के लिए वैलिड है तो यहाँ पे डेट होती है फॉर एग्जांपल थर्टी फर्स्ट जैन टू थाउजेंड सिक्स से लेके इसकी वैलिडिटी थी टेन इयर्स की सो आई कैन राइट थर्टी फर्स्ट जैन टू थाउजेंड सिक्सटीन अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई यूज़र आफ्टर थर्टी फर्स्ट जैन टू थाउजेंड सिक्सटीन इस डिजिटल सर्टिफिकेट को लेकर आएगा तो वो इनवैलिड होगा एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एनी डिजिटल सर्टिफिकेट कंटेंस इज़ द इश्यूअर नेम कि किसने ये डिजिटल सर्टिफिकेट इशू किया है फॉर एग्जाम्पल वेरीसाइन वेरीसाइन एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है एंटिटी है जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इशू करती है तो ये एक सैम्पल डिजिटल सर्टिफिकेट है जो आपने देखा जिसमें कुछ फील्ड्स होती हैं जैसे यूज़र नेम पब्लिक की सीरियल नंबर ई मेल आई डी एंड देन अदर इंफॉर्मेशंस लाइक वैलिड फ्रॉम वैलिड टू एंड द इश्यूअर नेम अब जैसे वेरी साइन एक पॉपुलर है इसी तरह एक और पॉपुलर है एनट्रस्ट भी एक पॉपुलर एंटिटी uh, है जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इशू करती है सो नेक्स्ट इज अबाउट द फील्ड्स ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट ना बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द फील्ड्स ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें कि जो स्टैंडर्ड डिजिटल सर्टिफिकेट्स को डिफाइन करता है उस स्टैंडर्ड को कॉमनली हम कहते हैं एक्स पॉइंट फाइव जीरो नाइन सो एक्स पॉइंट फाइव ज़ीरो नाइन एक्चुअली डिफाइन्स द स्टैंडर्ड द स्टैंडर्ड ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट नाउ टू कम बैक टू द फील्ड्स ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट कुछ फील्ड्स तो हमने यहाँ पे देख ली अब इसके अलावा जो फील्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ जैसे वर्जन होता है ना वाई आई हैव डिस्कस अबाउट एक्स पॉइंट फाइव जीरो नाइन बिफोर डिस्कसिंग द फील्ड्स क्योंकि जो वर्जन होता है आपका दैट कंटेन्स द पर्टिकुलर प्रोटोकॉल विच इज़ यूज इन स्टैंडर्डाइजिंग द डिजिटल सर्टिफिकेट्स कि अगर इसकी वैल्यू एक्स पॉइंट फाइव जीरो नाइन होगी दैट मीन्स ये डिजिटल सर्टिफिकेट इस स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन हुआ है देन वी हैव सिग्नेचर एल्गो आइडेंटिफायर इट मीन्स विच टाइप ऑफ सिग्नेचर एल्गोरिदम इज यूज देन वी हैव हैवर यूजर आई डी यहां पर तो ईश्वर का नेम था बट उसका भी एक यूजर आईडी होता है यहाँ पे। एंड देर आर सर्टन एक्सटेंशन एंड द मोस्ट कॉमन और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड इन इज 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 सर्टिफिकेट अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सो दीज आर समील्ड्स इसके अलावा भी फील्ड्स होती हैं जिसके बारे में आप इन डिटेल बुक्स के अंदर देख सकते हैं अब ये जो फील्ड है आपकी सर्टिफिकेट अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर इस फील्ड का काम आएगा जब हम ये देखेंगे कि एक डिजिटल सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन कैसे होती है सो दिस फील्ड इज यूज डूरिंग डिजिटल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन

दैट कैन इशू डिजिटल सर्टिफिकेट्स तो एक ये एन एंटिटी है जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इशू करती है इसका आप अगर एक नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो ये आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी है फॉर एग्जाम्पल एंड देर आर एन नंबर ऑफ

उसकी एक कॉपी यहाँ पे सीए के डेटाबेस के अंदर भी स्टोर होती है सो दिस इज हाउ डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोसेस वर्क्स व्हाट इज अ डिजिटल सर्टिफिकेट वी हैव डिस्कस्ड वी हैव सीन द सैंपल डिजिटल सर्टिफिकेट देन फील्ड्स एंड अबाउट द सर्टिफिकेट अथॉरिटी थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर टूटोर ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स थैंक यू